हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। बेसिकली जब हम बच्चे थे तो हम में से काफियों ने स्पीकर और अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मैग्नेट निकाल के खेला तो होगा ही, पर आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये मैग्नेट बनते कैसे? अगर नहीं देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट स्टार्ट। बेसिकली मेरे हिसाब से मैग्नेट 5 स्टेप में बनते हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सभी स्टेप्स को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग द स्लैब। इस स्टेप पे सबसे पहले एक लोहे के बॉक्स या एक सांचे को लिया जाता है जो बीच से खाली रहता है, और उसके बाद उसमें सैंड या रेत को डाल दिया जाता है, और उसके बाद उस बॉक्स को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के बीच में रख दिया जाता है। अब वो सैंड वैक्यूम प्रेशर और अलग टाइप के गैस के साथ प्रेस होके एक स्लैब के आकार में आ जाता है। अब स्लैब बन के रेडी हो जाता है और साथ में वो स्टेप 2 को भी पूरा करने के लिए रेडी हो जाता है। तब आता है स्टेप 2 जो है प्रिपेयरिंग दी मोल्टन लावा। बेसिकली इस स्टेप में मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, प्योर आयरन, निकल, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट एक्सेट्रा को मिक्स करके एक हीट फर्नेस में डाल दिया जाता है। अब इस फर्नेस में काफी ज्यादा गर्मी होने के कारण सभी मेटल पिघल जाते हैं और लिक्विड या लावे जैसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उसके बाद उस लिक्विड स्ट्रक्चर को स्लैब के बीच में किए गए मैग्नेट के आकार के छेद में डाल दिया जाता है और उसे कुछ दिनों तक ठंडा होने दिया जाता है। अब जैसे ही वो स्लैब और लावा ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद आ जाता है स्टेप 3 जो है गिविंग इट द बेस ऑफ मैग्नेट। बेसिकली इस स्टेप में वो लोग सबसे पहले उस स्लैब से सभी मैग्नेट को निकाल लेते हैं और उसके बाद उससे पॉलिश कर देते हैं, पर अभी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स नहीं आता है। उसके बाद उस मैग्नेट को एक लोहे के रॉड में डाल के उसे एक लोहे के पाइप में सिलिका सैंड के साथ डाल दिया जाता है और उसे ऊपर से सीमेंट से ब्लॉक कर दिया जाता है, और उस लोहे के पाइप को एक बार एक मशीन में रख के दोबारा से हीट किया जाता है। अब जैसे वो पाइप पूरी तरह से हीट होकर लाल हो जाते हैं, उसे एक दूसरे मशीन में कॉपर के वायर के साथ डाल के रख दिया जाता है। अब उस कॉपर वायर से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पास किया जाता है। इसका मतलब कि उस वायर में ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और उस मैग्नेट में थोड़ी सी मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। अब उन मैग्नेट को उस सिलिंड्रिकल बॉक्स से निकाल दिया जाता है, लेकिन अभी भी सभी मैग्नेट में पूरी तरह से चुंबकीय शक्ति नहीं आती है, जिसे पूरा करने के लिए स्टेप 5 को यूज किया जाता है जो है गिविंग इट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब ये लास्ट स्टेप होता है एक मैग्नेट को बन के रेडी होने के लिए। बेसिकली इस स्टेप पे वो लोग सभी मैग्नेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ पास करते हैं, जिससे कि मैग्नेट में चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है और वो मैग्नेट बन के रेडी हो जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैग्नेट कैसे बनता है। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।